मिथुन राशि वालों, आज 25 मई शनिवार का दिन है। साहस, पराक्रम और अपनी ऊर्जा से जीवन में बेहतर परिणाम की आप प्राप्ति करेंगे। धन भी कमाएंगे, सुख भी पाएंगे और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आज ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के प्रभाव से दिन आरंभ होगा। बुध आपकी कुंडली के लाभ स्थान में आज गोचर कर रहा है। वहीं आपकी कुंडली के शुभ भाव में केतु का गोचर है। 10:36 के बाद जब चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेगा, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन और लाभ का अवसर मिलेगा। आज जीवन में मधुरता बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, गृहस्थ जीवन का सुख पाएंगे, पति पत्नी के बीच खुशहाली बढ़ेगी, संतान का सुख भी मिलेगा, बेरोजगार को रोजगार की और जीवन में तरक्की का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। जो व्यापारी हैं, अपने काम को निष्ठा से करें। आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि मूल नक्षत्र 10:36 के बाद और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली के कर्म भाव पर मंगल राहु का गोचर और आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर शनि का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए दिन बड़े उत्साह में व्यतीत होंगे। आज का दिन भाग्य की बुलंदी से आपके जीवन में तरक्की का योग है। कामयाबी, सुख, सौभाग्य का योग है। बेहतर स्थिति आपकी जीवन की परिस्थिति को बदलेगा। नए विचार आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। कर्म की साधना से भाग्यशाली आप होंगे और मिथुन राशि वालों के जीवन में लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आज राहु काल का विशेष ध्यान रखें। 8:52 से 10:35 मिथुन राशि वालों, राहु काल में किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें और आज दक्षिण दिशा की तरफ से दिन आरंभ न करें। मिथुन राशि वालों, अपने जीवन में ज्यादा लाभ, तरक्की, भाग्य, सौभाग्य पाना चाहते हैं तो आज उत्तर दिशा की तरफ से दिन आरंभ करें। दिन आपके लिए तरक्की भरा होगा, खुशहाली लेकर आएगा, सुख देगा, सपनों को साकार करेगा। आज का दिन धन कमाने के मामले में भाग्य का साथ मिलेगा और मिथुन राशि वालों के जीवन में लाभ का अवसर प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का मिथुन राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 25 मई शनिवार का दिन, सूर्य शुक्र बृहस्पति का त्रिग्रही राजयोग, मंगल का राहु के साथ गोचर करना और बुध की स्थिति, केतु की स्थिति जीवन में परिवर्तन का योग बना रहा है। जेठ माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, सिद्ध योग है, साध योग है। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के प्रभाव से दिन आरंभ हो रहा है और बुध आज भरणी नक्षत्र में शुक्र से प्रभावित है। वहीं 10:36 के बाद मूल नक्षत्र में केतु का प्रभाव और केतु सत्वित्रा नक्षत्र में शनि से प्रभावित होकर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। शक्ति समृद्धि का संचार करने वाला, जीवन में उमंग उत्साह को बढ़ाने वाला, शुभ फल प्रदान करने वाला बुध आज आपकी कुंडली में शनि से प्रभावित है। आज आपकी कुंडली में शुक्र से प्रभावित है और आपके लिए लाभ का अवसर लेकर आया है। मंगल का राहु के साथ गोचर करना सामर्थ्य, जोश को बढ़ाने का काम करता है और केतु के प्रभाव से इच्छा, महत्वाकांक्षा जागती है। सुख का आनंद जीवन में बढ़ता है और धन कमाने का साधन प्राप्त होता है। आप धनवान बन सकते हैं। रुपया पैसा कमाने में भाग्य का साथ भी मिलेगा और धन कमाने का साधन भी आज प्राप्त होगा। ऐसा योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति का सूर्य के साथ गोचर करना और मंगल का राहु के साथ आपके जीवन की स्थिति परिस्थिति को बदलने का काम करेगा। आत्मविश्वास को बनाकर रखें। जो भी काम करते हैं मेहनत से करें। भाग्य का साथ जब मिलेगा
और कार्य की गति तेज होगी तो धन का आगमन भी आपके जीवन में होगा। भाग्य की बुलंदी से उत्साह उमंग बढ़ेगा और ग्रहों के शुभ प्रभाव से लाभ की स्थिति। गृहस्थ जीवन का सुख है और कर्म भाग्य से शानदार अवसर। आज आप प्रॉपर्टी भी अर्जित करेंगे, धन भी कमाएंगे, खुशियां भी आपके जीवन में बढ़ेगा, सुख भी मिलेगा। ऊर्जा शक्ति से लाभ का योग है, सौभाग्य का योग है, प्रभावशाली जीवन है। संपत्ति उन्नति के लिए दिन बड़ा लाभकारी है क्योंकि सिद्ध योग है, साध योग है, परिणाम बेहतर मिलते हैं और धन का लाभ होता है। चंद्रमा की स्थिति सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। मन आपका चंचल है पर समय अच्छा है जीवन में आगे बढ़ने का, मेहनत का परिणाम पाने का और शुभ स्थिति से अपने जीवन में सफलता, कामयाबी और सुख की प्राप्ति करने का। शुक्र के गोचर से प्यार और लाभ का योग बनेगा जबकि बृहस्पति आपके जीवन में शुभ फल देगा, कामयाबी सफलता लेकर आएगा। राहु से अचानक जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा और केतु आपके लिए नए काम का प्रारंभ और मन में उत्साह बढ़ाने का काम करेगा जबकि बुध के प्रभाव से आपके हर काम सफल होंगे और इच्छा शक्ति, स्वाभिमान भी आपका बढ़ेगा क्योंकि सूर्य बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। दिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी, सफलता, धन और भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। अपने आलस का त्याग करते हुए, अपने अहंकार को छोड़कर जो भी काम करेंगे वो काम आपके लिए धन दौलत को बढ़ाने वाला साबित होगा। आज का दिन आमदनी के लिए शुभ दिन है। आज का दिन तरक्की के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए बेहतर दिन है। योजना बनाकर काम करें, अवश्य आपके जीवन में लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं और आपकी परिस्थिति में सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य का शुक्र बृहस्पति के साथ गोचर करना, मंगल का राहु के साथ और साध योग में मूल नक्षत्र का केतु आपके जीवन में नई नौकरी का योग बनाता है। उत्साह से सफलता प्राप्त करते हैं, कंपटीशन में बड़े अच्छे अवसर मिलते हैं आपको। परिवार में स्नेह बढ़ता है, स्त्री से सुख मिलता है, प्यार का इजहार भी आप करते हैं। आपका लव लाइफ है काफी रोमांचकारी होता है, प्रभावशाली जीवन, भाग्यशाली आपको बना रहा है। आज कार्य का विस्तार भी होगा, जीवन में मधुरता।